हाँ जी फ्रेंड, जब भी हम गर्मियों के फूलों की बात करते हैं तो उसमें अगर हम विंका का नाम ना ले ऐसा तो हो नहीं सकता। विंका जो फ्लावर होता है बहुत हार्डली प्लांट होता है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, पूरी गर्मियों में हमें वो फ्लावर देता है। और जो हाइब्रिड वाले विंका होते हैं वो तो सर्दियों में भी फ्लावरिंग करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने जा रही हूँ विंका फ्लावर के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा, स्वागत है आपका मेरे चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलो जान लेते हैं विंका के बारे में कुछ बातें। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आप मेरे देख रहे हो, मेरे पास ये चार तरह के विंका है, हाइब्रिड हैं जिनको हम सदाबहार भी कहते हैं। तो मेरे पास ये चार हाइब्रिड है और एक मेरे पास इसमें जो है वो है देसी वैरायटी में है। तो गाइस, जो ये हाइब्रिड वाला विंका होता है ये गर्मियों का बहुत एक अच्छा फ्लावर प्लांट होता है। इसमें जो मतलब इसकी जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है वो उसकी जो ऊंचाई होती है या ग्रोथ कह लो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ये रहता है, इसकी ऊंचाई थोड़ी ही रहती है, लेकिन आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हो, इसकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। गुच्छों में ये फूल करता है, एक ही जगह पे दो दो तीन तीन इसके फ्लावरिंग निकलती है। और ये जो देसी वैरायटी है फ्लावरिंग तो ये भी बहुत अच्छे से करता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसकी लेंथ आप देख सकते हो, इसकी लेंथ भी बढ़ती जाती है, इसकी ऊँचाई भी बढ़ती जाती है और जाके ऊपर टिप में जाकर ये फ्लावरिंग करता है और नीचे से फिर ये ऐसे खाली खाली दिखता है। तो अगर हमें अपने गार्डन में अब गर्मियों में फ्लावरिंग चाहिए तो विंका को, हाइब्रिड वाले विंका को ऐड करना ना भूलें। ये बहुत अच्छी एक फ्लावरिंग वाला प्लांट है। तो अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। तो गाइस, इसकी प्रोपोगेशन बाय सीड द्वारा भी हो जाती है और इसकी हम कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी देसी वाली वैरायटी होती है उसकी कटिंग बहुत ईजी से ग्रो हो जाती है। आप किसी तरह की मिट्टी में भी लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए, बहुत आसानी से देसी विंका की कटिंग लग जाती है। लेकिन जो हाइब्रिड वाला विंका होता है इसकी कटिंग को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है अकॉर्डिंग टू देसी विंका के। तो इसकी कटिंग को बहुत केयरफुली लगाना पड़ता है और उसमें आप मिट्टी और रेत ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसकी जहाँ भी आप इसको रखेंगे, दो तीन दिन तक इसको शेड एरिए में रखिए, उसके बाद आप इसको धूप में लेके आइए। और अब बात करते हैं कि अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो ये हमें किस प्राइस से मिल सकता है। तो आजकल तो गाइस इसका प्राइस नर्सरी में 20 या 25 रुपये के बीच में है, लेकिन सर्दियों में जब इसको मैं ख़रीद रही थी तो मुझे 30 या 35 रुपये का मिल रहा था। और जो ये हाइब्रिड वाला विंका है इसकी तो हम इसके कई कलर वैरायटी मिल जाती है, काफ़ी कलर इसमें हाइब्रिड में मिल जाते हैं, लेकिन जो देसी वाला विंका होता है ये वाइट कलर और एक लाइट पिंक और एक डार्क मेजेंटा कलर में ही देखने को मिलता है। इसके तीन ही कलर होते हैं, लेकिन हाइब्रिड में काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन आपको मिल जाती है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो हमें किस तरह की मिट्टी पर इसे लगाना चाहिए। तो गाइस, आप इसको एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा खाद डालकर इसको आप लगा दीजिए और ग्रो कर दीजिए, बहुत आसानी से ये चल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पानी की। तो फ्रेंड्स, पानी की थोड़ा इसमें बहुत ध्यान देना होता है विंका में, क्योंकि इसकी जो अगर ये डेथ होती है, अगर ये मरता है तो इसके चांसेस होते हैं ओवर वाटरिंग के। तो इसमें वाटरिंग तभी करनी है, चेक करके देनी है। ऊपर की मिट्टी तो चलो हम हर प्लांट में चेक करते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको खुर्च के भी देखिए कि इसकी नीचे की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, तब ही इसको पानी देना है। अगर हमारे इस तरह प्लास्टिक के पॉट में ये लगे हैं तो और भी ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में पानी जल्दी से सूखता नहीं है। तो पानी जब भी दीजिए इसकी नीचे की मिट्टी तक को इसको ध्यान से दीजिए। जो ये देसी वाला विंका होता है इस पर ओवर वाटरिंग हो भी जाए, इसको अभी बहुत हार्डली प्लांट होता है देसी विंका होता है, इसके मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस पर किसी मतलब किसी कोई हम इस पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम आप नीम का स्प्रे इन पर करते रहिए, क्योंकि इसमें जो विंका पे है इस पर एक छोटे छोटे इसमें कीड़े से लग जाते हैं। मेरे कीड़ों का तो मुझे पता नहीं कैसे थे, लेकिन वो वाइट बिल्कुल ब्लैक कलर के कीड़े थे, जो कि बीच के पत्ते उन्होंने खा लिए थे, मेरे लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ। तो आप इसमें टाइम टू टाइम नीम का स्प्रे करते रहिए, जिससे ये कीड़े वगैरह से बचे रहेंगे। तो अब बात करते हैं सनलाइट की। तो अगर आपके पास विंका है तो आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ इनको पूरे दिन की धूप मिलती हो। जितनी अच्छी से इनको धूप मिलेगी, जितनी ज़्यादा इनको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा ये अच्छे से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, ध्यान रखिए अपना।